तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश बड़ूजर। अभी आप देख रहे हो साइबर क्राइम का सेकेंड ट्यूटोरियल, तो जिसमें हम देखने वाले हैं साइबर क्राइम की जो कैटेगरीज है, तो वो देखने वाले हैं क्या क्या टाइप्स है उसके, वो देखने वाले कैटेगरी और टाइप्स मतलब वो जबल पास सेम ही है। तो देखिए साइबर फ्रॉड, सो फर्स्ट टाइप है साइबर फ्रॉड, देन साइबर थेफ्ट, देन साइबर स्टॉकिंग, देन साइबर टेररिज्म, देन साइबर डिफेमेशन। इन सबको हम एक एक तरीके से मतलब सीखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं साइबर फ्रॉड। तो साइबर फ्रॉड क्या होता है? कंप्यूटर फ्रॉड इज एन एनी डिहोनेस्ट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैक्ट इंटेंडेड टू लेट अनादर टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विच कॉजेस लॉस। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, अगर ये हैकर है ए नाम का, मान लीजिए ए नाम का ये हैकर है, और ये एक यूज़र है जिसका नाम बी है। तो ये हैकर क्या करता है, इस बी नाम के यूज़र को कुछ ऐसा मतलब लालच देता है, या फिर कुछ मतलब ऐसा बोलता है, मतलब उसे कांटेक्ट करके उसकी कुछ चीज़ें मतलब उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको ले लेता है, और उसको बोलता है कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, अगर आप वो करोगे तो आपको ये ऐसा ऐसा मतलब बहुत मतलब आपका फ़ायदा होगा ना। तो ऐसा वो बोलता है, और उसके बाद में वो कुछ भी मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उससे निकाल लेता है, और उसके बाद में उसे उसको जो मतलब उसके बाद में वो उसके साथ फ्रॉड करता है। तो ये फ्रॉड होने के बाद में मतलब अब अभी ये बी नाम के जो व्यक्ति को तो क्या 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 होगा, लॉस ही होगा ना, क्योंकि अगर उसने उसकी बैंक डिटेल दे दी होगी या फिर कुछ भी दे दिया होगा, तो उसे सब मिला के तो उसको लॉस ही होने वाला है। तो ये सब कुछ आता है हमारा साइबर फ्रॉड में। तो साइबर फ्रॉड इज एनी क्राइम साइबर फ्रॉड इज एनी क्राइम दैट इज कमिटेड विद द यूज ऑफ कंप्यूटर और टू कंप्यूटर डाटा। मतलब अभी देखिए, जैसे कि अभी वो यूज़र है, उसने कुछ जो उसका डाटा था, अगर उसको उसने वो डाटा दे दिया है इसको, तो वहाँ पे तो हुआ ही ना, मतलब वो जो जो फ्रॉड है वो तो हो ही आया। तो ऐसा ये फ्रॉड में आता, साइबर फ्रॉड में आता है। तो साइबर फ्रॉड में वो क्या क्या ले सकता है, तो मतलब साइबर फ्रॉड में रहता है आइडेंटिटी थेफ्ट, उसके बाद में आता है स्टोलन बैंक अकाउंट नंबर्स। मतलब साइबर फ्रॉड मतलब वो क्या करता है, आपके बैंक अकाउंट नंबर चोरी कर सकता है, आपके जो पासवर्ड है वो ले सकता है, आपके पास हैकिंग कर सकता है, आपके पास फिशिंग के पेज भेज सकता है, उससे टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं। अगर कोई बड़ा पर्सन हो उसके साथ ये फ्रॉड हुआ है तो ये सब कुछ हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि कॉपीराइट का इन्फ्रैगमेंट हो सकता है। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है साइबर फ्रॉड में। तो नेक्स्ट देखते हैं साइबर थेफ्ट। तो साइबर थेफ्ट क्या होता है? तो साइबर थेफ्ट यानी कि क्या, चोर। तो साइबर थेफ्ट को हम कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब इसको आइडेंटिटी थेफ्ट भी कहा जाता है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट क्या करता है, उसके नाम में ही सब कुछ है, तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। साइबर थेफ्ट ऑकर व्हेन अ क्रिमिनल गेन एक्सेस टू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। मतलब ये कब होता है, जब कोई अनजान व्यक्ति आपके आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको एक्सेस करने का काम करता है, तब ये साइबर थेफ्ट होता है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेता है वो, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपका बैंक अकाउंट डिटेल जो कुछ होंगी। तो ये क्या करता है, ये क्यों लेता है, क्योंकि आप उसको पैसे चाहिए होते हैं, या फिर कुछ अदर उसको बेनिफिट मिलने वाला होगा, आपकी जायदाद हड़प लेना चाहिए है ना, मतलब ऐसा हो सकता है। तो देखिए, तो अगर आप सोचते होंगे कि मेरा नाम ही तो पता चला है, तो
मेरा एड्रेस तो मालूम है या फिर मेरी बर्थडेट ही मालूम है उसे, लेकिन ये इतनी सी भी इंफॉर्मेशन से वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। तो कैसे, अभी देखिए आप फेसबुक और व्हाट्सएप कुछ ना कुछ तो यूज़ करते होंगे, या फिर आपका एड्रेस कहीं ना कहीं तो सेव हो हुआ ही होगा कहाँ ना कहाँ पे ही। तो वो आपके नाम से आपका फेसबुक अकाउंट सर्च करता है, सर्च कर सकता है, वहाँ से आपका फ़ोटो ले सकता है, वहाँ से आपके कुछ दोस्तों के भी एड्रेस ले सकता है, उनसे वो जो बाकी नंबर है नंबर ले सकता है, नंबर से वो आधार कार्ड को लिंक हो रहते हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो हैकर हैक कर सकता है। मतलब जो भी हमारी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी मतलब बहुत ही काम की रहती है। तो ये सब कुछ मतलब आप अगर उसको छोटी सी भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। तो ये रहता है साइबर थेफ, ये थोड़ा डेंजरस पर्सन रहता है, मतलब इतना भी डेंजर नहीं था लेकिन रहता है। तो देखिए ये अभी मैंने आपको जो बताया तो वो इसमें था, तो अभी हम इसको देखते हैं। दिस कैन बी इनफ टू अप्लाई फॉर सर्विसेज। देखिए अभी उसको ये सब कुछ मिल चुका है, अभी इसको ये सब मिल चुका है, तो वो क्या करेगा, अगर उसको कोई आपका नया आधार कार्ड निकालना हो तो वो निकाल सकता है, क्योंकि उसके पास आपका नंबर है, नंबर को वो बायपास करके मैसेज ला सकता है आपके पास, उसके उसके पास तुम्हारा बैंक का डिटेल है सब कुछ है ना, तो वो डुप्लीकेट यानी कि फेक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकता है, या फिर रियल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी तैयार कर सकता है वो, तो ये सब कुछ वो कर सकता है। तो इस तरीके के ये जो साइबर थेफ्ट रहते हैं ये थोड़ा सा मतलब अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली दे देते हो तो ये अच्छा नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में हमने ये देखे कैटेगरी, साइबर क्राइम की दो कैटेगरी देखी, एक साइबर फ्रॉड एक साइबर थेफ्ट, आगे देखेंगे हम साइबर स्टॉकिंग, साइबर टेररिज्म और साइबर डिफेमेशन। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत कुछ, इतना ही, बहुत बहुत हो गया, थैंक यू।